हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, राजस्थान की कल्चर से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और राजस्थान की जितनी भी प्रमुख बावड़ियाँ हैं ये मैं आज आपको याद करवा दूंगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, राजस्थान की पूरी कल्चर और राजस्थान की पूरी हिस्ट्री मैं आपकी कंप्लीट करवाने वाला हूँ दोस्तों। इसके साथ जियोग्राफी भी मैं आपकी कंप्लीट करवाऊंगा। तो राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी मैं आपकी पूरी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी विद्यार्थी RS एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम और पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि सवाल आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बावड़ियाँ जो होती है इनका निर्माण क्यों किया जाता है? बावड़ियाँ जो होती है इनका निर्माण क्यों किया जाता है? जल संग्रहण के लिए किया जाता है दोस्तों। जल संग्रहण के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, अभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी से कहा जाता है, तो आपसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा बावड़िया जो है ये आपकी बूंदी में ही स्थित है। आगे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों चांद बावड़ी के बारे में। चांद बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? आबानेरी दोसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों चांद बावड़ी आपकी? आबानेरी दोसा में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। चांद बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गुज्जर प्रतिहार काल में राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसीलिए इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। तो राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे गहरी व सबसे कलात्मक बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? चांद बावड़ी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे गहरी है दोस्तों ये, ठीक है, और सबसे कलात्मक बावड़ी जो है ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी? चांद बावड़ी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर गिनने बैठोगे दोस्तों तो ये कितनी मंजिला हो जाएगी? 13 मंजिला। कितनी मंजिला है दोस्तों ये? 13 मंजिला है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 मंजिला भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चांद बावड़ी का निर्माण राजा चांद के द्वारा करवाया गया था, सबसे गहरी 13 मंजिला बावड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, तो चांद बावड़ी पर 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे कभी भी डाक टिकट को लेकर सवाल पूछा जाए, कभी भी डाक टिकट को लेकर सवाल पूछा जाए, तो 2-4 डाक टिकट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1973 में बनी ठणी पर डाक टिकट जारी किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। 1949 में दोस्तों कुंभलगढ़ के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था, और 2017 में चांद बावड़ी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। अगर आपको कभी भी तुक्का लगाना हो दोस्तों तो आप 2017 लगा सकते हो। 2017 जो है ये आप तुक्का लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि 2017 में काफ़ी सारे डाक टिकट जारी किए गए थे। तो अगर आपको कभी भी तुक्का लगाना हो, अगर आपको नहीं आ रहा हो तुक्का लगाना हो, तो आप क्या लगाओगे? 2017 लगा देना। और बनी ठणी का पूछा जाए तो 1973 हो जाएगा, कुंभलगढ़ का पूछा जाए तो 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। आगे देखिए, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बावड़ी है दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा, नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है दोस्तों? नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। उसी तरीके से सेम बावड़ियों का सिरमौर जो है ये किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बावड़ियों का सिरमौर जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, जो कि अनिरुद्ध की पत्नी थी, यह आपको ध्यान रखना है। और ये किसके काल में निर्माण करवाया गया था? तो बुद्ध सिंह के काल में निर्माण करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। बुद्ध सिंह के काल में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नौलखा बावड़ी, ये भी काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। नौलखा बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नौलखा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? डूंगरपुर में हो जाएगी। डूंगरपुर शासक मारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी द्वारा 1586 में निर्मित, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो प्रेमल देवी के द्वारा दोस्तों नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और एक किसकी पत्नी थी? आसकरण की पत्नी थी। तो याद रह जाएगा, नौलखा बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, जो कि आसकरण की पत्नी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बाटाडू का कुआ। बाटाडू का कुआ आपका कहाँ पर स्थित है? तो बाटाडू का कुआ आपका बाड़मेर में स्थित है।
रेगिस्तान का जलमहल इसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बाटाडू के कुएं को कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गुलाब सिंह के द्वारा दोस्तों बाटाडू के कुएं का निर्माण करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा। गुलाब सिंह के द्वारा बाटाडू के कुएं का निर्माण करवाया गया जो कि बाड़मेर में स्थित है, जिसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। और ये किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, हाथी बाटा, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये अभी आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। हाथी बाटा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये ककोड़ गांव टोंक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका टोंक में स्थित है हाथी बाटा। हाथी बाटा जो है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऐसा माना जाता है हाथी बाटा जो है, इसका निर्माण जो है ये पांडवों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पांडवों के द्वारा किया गया था। पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाई गई एक प्राकृतिक बावड़ी है जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो पत्थर की एक चट्टान थी दोस्तों, उसको हाथी का रूप दे दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक बावड़ी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। हाथी बाटा आपका कहाँ पर स्थित है? कंकोड़ गांव टोंक में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। पत्थर की चट्टान जो थी उसको तराश कर ये प्राकृतिक बावड़ी बनाई गई है। आगे देखिए दोस्तों, चांद बावड़ी जोधपुर, एक चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में भी स्थित है दोस्तों। एक तो मैंने आपको बताया आबानेरी दौसा में स्थित है, जिसका निर्माण राव चांद के द्वारा करवाया गया था, प्रतिहार शासक। और एक चांद बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कभी आपको ऑप्शन में आबानेरी दौसा नहीं मिले तो जोधपुर आपका राइट आंसर माना जाएगा। राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने बनवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चांद बावड़ी जो कि आपकी जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण रानी चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए चौहान बावड़ी किसे कहा जाता है, तो ये आपकी चांद बावड़ी जोधपुर को कहा जाता है, याद रह जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिमुखी बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। त्रिमुखी बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? त्रिमुखी बावड़ी जो है ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रानी राम रस दे के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो त्रिमुखी बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पन्नालाल शाह का तालाब, तो पन्नालाल शाह का तालाब आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? खेतड़ी नीम का थाना में हो जाएगा। वर्तमान में कहाँ पर हो जाएगा? खेतड़ी नीम का थाना। तो पन्नालाल शाह का तालाब आपका खेतड़ी नीम का थाना में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, याद रह जाएगा। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना। और पन्ना मीणा की बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पन्ना मीणा की बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये भी आपकी दो बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सेठानी का जोड़ा और पिथाना जोड़ा, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका चूरू में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये जिनके पीछे भी जोड़ा लगा हुआ है ये कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके चूरू में हो जाएंगे दोस्तों। कहाँ पर हो जाएंगे? चूरू में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेठानी का जोड़ा और पिथाना का जोड़ा कहाँ पर हो जाएगा? चूरू में हो जाएगा। कल मैंने आभूषणों को लेकर आपको याद करवाया था दोस्तों, जिसके पीछे भी माला लगा हो, मुक्तमाला, मटरमाला, कंठमाला, ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से जिसके पीछे भी जोड़ा हो, पिथाना जोड़ा, सेठानी का जोड़ा, तो ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? चूरू में हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, तापी बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तापी बावड़ी जो है ये आपकी जोधपुर में स्थित है। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछी गई है, बट आने वाले टाइम में पूछी जा सकती है दोस्तों। तापी बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तूर जी का झालरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तूर जी का झालरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तूर जी का झालरा कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, तालाब ए शाही आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तालाब ए शाही आपकी धौलपुर में स्थित है। ये भी काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, आप देख सकते हो। तालाब ए शाही आपकी कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। जागीर के मनसबदार सुलह खां ने साजा के लिए शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण कराया था। तो जागीर के मनसबदार सुलह खां के द्वारा साजा के लिए शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों? सुलह खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि जागीर का मनसबदार था। तो तालाब ए शाही आपकी कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, नौ मंजिला बावड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नौ मंजिला बावड़ी आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नौ मंजिला बावड़ी जो है ये आपकी निमराना अलवर में स्थित है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कोटपुतली बहरोड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नौ मंजिला बावड़ी जो है इसका निर्माण टोडरमल के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा करवाया गया था? नौ मंजिला बावड़ी का निर्माण टोडरमल के द्वारा करवाया गया था, और ये आपकी निमराना कोटपुतली बहरोड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे देखिए हाडी रानी की बावड़ी। हाडी रानी की बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपकी टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है हाडी रानी की बावड़ी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है टोडा नरेश राव रूपाल की हाडी रानी द्वारा निर्मित। तो टोडा नरेश राव जो थे दोस्तों रूपाल की हाडी रानी जो थी उसके द्वारा हाडी रानी बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। कहाँ पर करवाया गया है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे देखिए काकी जी की बावड़ी। तो दोस्तों काकी जी की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी, नागर सागर कुंडी, ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके बूंदी में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो काकी जी की बावड़ी अगर आपसे कभी भी पूछी जाए, भावल देवी की बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए, नागर सागर कुंड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? बूंदी आंसर करेंगे। और जेत सागर तालाब जो है ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका बूंदी में स्थित है। जेत सागर जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपका बूंदी में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काकी जी की बावड़ी, भावल देवी बावड़ी, नागर सागर कुंड, ये कहाँ पर हो जाएंगे? बूंदी में हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों झालरा बावड़ी। झालरा बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों एक तूर जी का झालरा। क्या बताया था मैंने आपको? तूर जी का झालरा। तूर जी का झालरा जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तूर जी का झालरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछा जाए झालरा बावड़ी कहाँ पर स्थित है तो ये आपकी सीकर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी झालरा आ रहा है, यहाँ पर भी झालरा आ रहा है दोस्तों, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तूर जी का झालरा तो आपका जोधपुर में हो जाएगा और झालरा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए झालीबाप बावड़ी। तो झालीबाप बावड़ी जो है ये आपकी कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो झालीबाप बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों दूध बावड़ी। दूध बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों दूध बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो दूध बावड़ी आपकी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूध बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? माउंट आबू सिरोही में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए दूध तलाई कहाँ पर स्थित है, तो दूध तलाई आपकी उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगर आपसे तलाई पूछी जाए तो उदयपुर आंसर करेंगे, और अगर आपसे दूध बावड़ी पूछी जाए तो क्या आंसर करेंगे दोस्तों? माउंट आबू आंसर करेंगे। ध्यान रखना है आपको, माउंट आबू आंसर करेंगे आप अगर बावड़ी पूछी जाएगी, और तलाई पूछी जाएगी तो आप उदयपुर आंसर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए हर्षनाथ की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हर्षनाथ की बावड़ी जो है ये आपकी सीकर में स्थित है, इसको तो आप आराम से ध्यान रख सकते हो। मेड़ तनी की बावड़ी, तो मेड़ तनी की बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेड़ तनी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों वीरूपुरी की बावड़ी। तो वीरूपुरी की बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, या वीरपुरी की बावड़ी जो है ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो दोस्तों? मेवाड़ के जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा वीर थे, तो वीरूपुरी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मेवाड़ उदयपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए एक चट्टान की बावड़ी। तो एक चट्टान की बावड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक चट्टान की बावड़ी जो है ये आपकी मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में स्थित है। एक चट्टान की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? मंडोर जोधपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्राह्मण देवता की छतरी जो है ये भी कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो उसी तरीके से एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? मंडोर जोधपुर में हो जाएगी, याद रखना है इसको। एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। बार बार रिपीट करोगे दोस्तों तभी चीज़ें याद होगी। एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती है, उनको बार बार जब रिपीट किया जाता है, दिमाग में घुमाया जाता है, तभी आपको चीज़ें याद होती है। तो इन पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, बार बार चीज़ों को घुमाइए। ठीक है, एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। मोरा कुंड, मोरा कुंड जो है दोस्तों ये आपका गढ़ मोरा नांदोती गंगापुर सिटी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोराकुंड आपका कहाँ पर हो जाएगा? गढ़ मोरा में हो जाएगा, नांदोती गंगापुर सिटी। मोराकुंड राजा मोरध्वज की नगरी है, ये आपको ध्यान रखना है। मोरध्वज की नगरी क्या हो जाएगी? मोराकुंड हो जाएगी। चमना बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो चमना बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? चमना बावड़ी आपकी शाहपुरा में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी? शाहपुरा में हो जाएगी, जिसका निर्माण उमेश सिंह द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चमना बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया। आगे देखिए लवाण की बावड़ी, जिसे डाकनिया की बावड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। लवाण की बावड़ी और डाकनिया की बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? लवाण दोसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जहाँ पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो लवाण की बावड़ी या फिर डाकनिया की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? लवाण दोसा में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंदाकिनी बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो मंदाकिनी कुंड या फिर मंदाकिनी बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी अचलगढ़ सिरोही में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? अचलगढ़ सिरोही में, ये आपको ध्यान रखना है। तो मंदाकिनी कुंड या मंदाकिनी बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अचलगढ़ सिरोही में हो जाएगी, याद रह जाएगा। आगे देखिए देवयानी कुंड। देवयानी कुंड जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सांभर झील के पास में स्थित है। देवयानी कुंड आपका सांभर झील के पास स्थित है, जयपुर ग्रामीण में। छोटे पुष्कर के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो देवयानी कुंड जो है दोस्तों इसे छोटे पुष्कर के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देवयानी कुंड, एक मैंने आपको बताया था दोस्तों
देवी कुंड की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो आपकी बीकानेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देव यानी कुंड आपका कहाँ पर हो जाएगा, सांबर झील जयपुर में हो जाएगा, जिसे छोटे पुष्कर के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, अमर सागर, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड, ये कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर जो है दोस्तों, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अमर सागर जो है ये आपका जैसलमेर में स्थित है, और अमर सागर जो है दोस्तों ये आपकी राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो थी वो आपकी कौन सी थी, अमर सागर थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमर सागर, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर और कौशिक राम का कुंड, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आपको यहाँ पर कौशिक राम का कुंड ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कौशिक राम का कुंड, अमर सागर आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मा सागर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कहाँ पर हो जाएंगे, जैसलमेर में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, धाबाई जी की बावड़ी, जिसे धाई का कुंड कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो धाबाई की बावड़ी जो है ये आपकी बूंदी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगी धाबाई की बावड़ी, आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, धाबाई बूंदी में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। विपरीत पिरामिड के आकार में बनी है, जेल कुंड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो धाबाई की जो बावड़ी है, इसे धाई का कुंड या फिर इसे जेल कुंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जेल कुंड भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ थी दोस्तों, ये मैंने आपको करवाई है, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए धाबाई की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में स्थित है, इसे जेल कुंड भी कहा जाता है, विपरीत पिरामिड के आकार में बनी हुई है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अमर सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम कहाँ पर है, जैसलमेर में हो जाएगा। देव यानी कुंड आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, छोटे पुष्कर के रूप में जाना जाता है, या आपका सांबर झील के पास में हो जाएगा। मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी, अचलगढ़ सिरोही में हो जाएगी। और लवाण की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी, लवाण की या डाकनिया की बावड़ी आपकी लवाण दौसा में हो जाएगी। चमना बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, शाहपुरा में हो जाएगी। और मोरा कुंड जो है ये आपका गंगापुर सिटी गढ़मोरा में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर में हो जाएगी, कहाँ पर हो जाएगी, मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। इसके अलावा वीरपुरी की बावड़ी जो हमने देखी, ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। मेड़तणी की बावड़ी झुंझुनू में हो जाएगी। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में हो जाएगी। और दूध तलाई आपकी उदयपुर में हो जाएगी। और दूध बावड़ी माउंट आबू में हो जाएगी। झालीवाब की बावड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगी। झालरा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में हो जाएगी। और तूर जी का झालरा कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। काकी जी की बावड़ी, भावल देवी बावड़ी, नागर सागर कुंड कहाँ पर हो जाएंगे, ये आपके बूंदी में हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हाड़ी रानी की बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो टोडा रायसिंह में हो जाएगी। नौ मंजिला बावड़ी आपकी निमराना कोटपुतली बहरोड में हो जाएगी, जिसका निर्माण टोडरमल के द्वारा करवाया गया। तालाब शाही आपकी धौलपुर में हो जाएगी दोस्तों। और तापी बावड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है, तापी बावड़ी जोधपुर में हो जाएगी। सेठानी का जोड़ा, पिताना जोड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा। और पन्ना मीणा की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी दोस्तों। और पन्ना शाह का तालाब आपका कहाँ पर हो जाएगा, खेतड़ी नीम का थाना में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ थी दोस्तों, ये मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। इस वीडियो का आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी बावड़ियाँ याद हो जाएगी। और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हुए हैं दोस्तों, तो इन नोट्स को अपने हाथों से लिखना शुरू कीजिए। अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे दोस्तों, तो आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बहुत शानदार तरीके से रेडी हो जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होंगे। तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, और PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करवाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इवनिंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आज हम दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।